आज मैं बेबी कॉर्न मंचूरियन बनाती हूँ, वो भी मेरे स्टाइल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम को मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप तमाम बखैरियत से होंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक करें। मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। शेयर लाइक करें, कमेंट करें। आज मैं बेबी कॉर्न मंचूरियन बनाती हूँ। इसके लिए हम बेबी कॉर्न लिए हैं। फर्स्ट इसको क्लीन कर लेते हैं, इसके स्किन को रिमूव कर लेते हैं। इस तरह से रिमूव करना चाहिए। और इसको दोनों साइड कट कर लेते हैं। इस तरह से क्लीन कर लेते हैं। इसके भी दोनों साइड कट कर लेते हैं। बेबी कॉर्न को इस तरह से कट करना चाहिए, 2 इंच के साइज में कट कर लेते हैं। इस तरह से हम तमाम बेबी कॉर्न को कट कर लेते हैं। इसी तरह के शेप्स में कट करना चाहिए। इन तमाम बेबी कॉर्न को भी हम इसी शेप में कट कर लेते हैं। हम तमाम बेबी कॉर्न को कट कर लिए। इसी तरह से पैन में 1/2 लीटर पानी डालते हैं। नमक ऐड करते हैं। पानी गर्म होने के बाद इसमें कट किए हुए बेबी कॉर्न को डालते हैं। टेन सेकेंड के लिए हम पका लेते हैं। हमारा बेबी कॉर्न 50% कुक हो गया। अब हम इसको फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर कर लिए, इसको ठंडा होने के बाद बाउल में डाल देते हैं। हमारा कॉर्न ठंडा हो गया। इसमें ऐड करते ही 2 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर, 1 टेबल स्पून मैदा, जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हसबे ज़रूरत नमक डालते हैं। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। एक टेबल स्पून पानी ऐड करके, ताकि कॉर्न फ्लोर और मैदा बेबी कॉर्न में अच्छी तरह से कोट हो जाए। अच्छी तरह से कोट हो गया। पैन में ऑयल डालते हैं।
बेबी कॉर्न को फ्राई करने के लिए ऑयल गरम होने के बाद कॉर्न को फ्राई के लिए डालते हैं। इसी तरह से अलग अलग करके हम फ्राई के लिए पैन में डालना चाहिए। इसके दोनों साइड्स भी फ्राई कर लेना चाहिए। हल्का सा कलर चेंज होना चाहिए। हमारा बेबी कॉर्न फ्राई हो गया। बेबी कॉर्न बहुत ही क्रिस्पी हो गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। जो रिमाइनिंग बेबी कॉर्न है इसको भी फ्राई के लिए ऑयल में डालते हैं। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। इसको भी दोनों साइड फ्राई कर लेते हैं। ये भी फ्राई हो गया। इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। बेबी कॉर्न मंचूरियन बनाने के लिए पैन में ऑयल डालते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून 30 सेकेंड के लिए भून लेते हैं। और अब हम आनियन को स्क्वायर शेप में कट करके इसमें ऐड करते हैं। और कैप्सिकम को भी स्क्वायर शेप में कट करके इसमें ऐड करते हैं। 1 मिनट तक लो फ्लेम पर रखकर आनियन कैप्सिकम अदरक लहसुन का पेस्ट को भून लेते हैं। इसमें ऐड करते हैं रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। कुमिन पाउडर 1 टीस्पून। मसालों में भुनने के बाद ऐड करते हैं हसबे ज़रूरत नमक। ये बहुत ही ड्राई है, इसके लिए हम वाटर 2 टेबल स्पून ऐड करते हैं। परसेंट कुक हो गया। इसमें ऐड करते हैं टोमेटो सॉस 2 टेबल स्पून। और सोया सॉस 1 टेबल स्पून। मसालों में अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। आनियन और कैप्सिकम 50% कुक होना चाहिए।
50% कुक हो गया। इसमें हम ऐड करते हैं कॉर्न फ्लोर 2 टेबल स्पून का पेस्ट, इसमें ऐड करते हैं 1 मिनट तक पकने के लिए रख देते हैं। अच्छा पक चुका है, इसमें ऐड करते हैं जो बेबी कॉर्न फ्राई करके रखे थे, इसमें ऐड कर लेते हैं। इसको 1 मिनट तक पकाना चाहिए और लो फ्लेम पर रखकर अच्छी तरह से पका लेते हैं। हमारा बेबी कॉर्न मंचूरियन तैयार हो गया। इसको हम बाउल में डिश आउट करते हैं। देखिए हमारा बेबी कॉर्न मंचूरियन तैयार हो गया। आप भी ज़रूर से ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।